हाँ जी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, और इसकी सेकंड एक्सरसाइज हमारी चल रही थी। ये 14 तक क्वेश्चन किए थे, आज हम 15 क्वेश्चन करेंगे। तो एक बार मैं 15 क्वेश्चन पढ़ देता हूँ क्या दिया है। तो 15 क्वेश्चन में दिया, डिस्कस फोर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, दी सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस, ये इक्वेशंस दी एज रिगार्ड्स एग्जिस्टेंस एंड नेचर ऑफ द सॉल्यूशंस। ठीक है, तो हमें डिस्कस करनी किसकी वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू डिस्कस करनी है, और ये हमें इक्वेशन दे रखी। तो चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करते हैं, इनकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म लिख लीजिए इसकी, दी मैट्रिक्स फॉर्म। तो इनकी जो मैट्रिक्स फॉर्म होती है वो एक्स इक्वल टू बी होती है, ठीक है ना। मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है इसकी, ए एक्स इक्वल टू बी, ए एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। तो ए की वैल्यू देखना क्या आएगी, यहाँ से कोफिशेंट देखना, वन वन लैम्डा, वन टू वन, फोर माइनस टू वन। एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स की वैल्यू होती है एक्स वाई जेड। बी की बोल, ठीक है, बी की वैल्यू बोलिए सिक्स सिक्स और सिक्स। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं इसमें, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो लिख देंगे दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, इस तरीके से डिनोट करते हैं इसको ए बी, और देखिए क्या आ जाएगा, ये वन वन लैम्डा, वन टू वन, फोर माइनस टू वन, और सिक्स आ जाएगा यहाँ, ठीक है। कितना आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा। तो इसके बाद क्या करते हैं, इसकी रैंक फाइंड करते हैं। फाइंड द रैंक ऑफ ए बी, ठीक है, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करते हैं बाय किससे, इचलन फॉर्म, बाय इचलन फॉर्म। चलिए फाइंड करिए। तो सबसे पहला ऑपरेशन किस में लगाएंगे, आर टू में। आर टू में क्या ऑपरेशन लगाएंगे, आर टू माइनस आर वन, आर थ्री में बोल दीजिए आर थ्री माइनस लैम्डा आर वन, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, आर वन को तो ऐसे लिख देना वन वन फोर सिक्स, घटाना वन माइनस वन ज़ीरो, टू माइनस वन वन, माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स, सिक्स माइनस सिक्स ज़ीरो। चलिए लैम्डा से गुना करके घटाना, तो कितना हो जाएगा ये, लैम्डा माइनस लैम्डा ही ना हो जाएगा, तो लैम्डा से गुना करेंगे तो लैम्डा माइनस लैम्डा कितना आ जाएगा, ज़ीरो, वन माइनस लैम्डा आ जाएगा। आगे देखिए, वन माइनस फोर लैम्डा, वन माइनस फोर लैम्डा, सिक्स माइनस सिक्स माइनस सिक्स लैम्डा, सिक्स कॉमन भी ले सकते हैं, या चलो ऐसे लिख दीजिए सिक्स माइनस सिक्स लैम्डा। अभी देखना चलन फॉर्म में आया नहीं आया, तो अभी चलन फॉर्म में नहीं आया, इसमें एक जीरो, इसमें एक जीरो, इससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो इससे ज़्यादा बना लीजिए, यहाँ जीरो बना लीजिए। तो ऑपरेशन किस में लगाना पड़ेगा हमें, आर थ्री में, आर थ्री में बोलिए किससे गुना करनी पड़ेगी, इसमें वन माइनस लैम्डा आर टू, तो ये ऑपरेशन लगा देंगे। तो किस फॉर्म में आ जाएगा ये, इचलन फॉर्म में, तो यहाँ तो ये आएगा नहीं। तो एक बार तुम लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको इधर करूँगा। चलिए इससे आगे देखिए, ठीक है, आर थ्री में ऑपरेशन लगाएंगे, आर थ्री माइनस वन माइनस लैम्डा आर टू। तो ऑपरेशन, ठीक है, लगाइए, तो देखना क्या आ जाएगा ये, वन
1 4, ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। और कितना 6 0 1 -6 ज़ीरो, ठीक है, घटाना 0 1 -1 लैम्डा, ठीक है भाई, यहाँ में 0 बनाना, 1 - लैम्डा से 1 - लैम्डा घटाना, तो 0 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 0, चलिए यहाँ देखना 1 - 4 लैम्डा और, ठीक है, प्लस हो जाएगा -6 1 - लैम्डा, कितना आ जाएगा 1 - 4 लैम्डा प्लस 6 - 6 लैम्डा 7 - कितना आ जाएगा ये 10 लैम्डा, 7 - 10 लैम्डा आ जाएगा। इसमें से इसमें गुणा करेंगे तो 0, ये तो ये ऐसे ही बच जाएगा, कितना बच जाएगा 6 - 6 लैम्डा। तो किस फॉर्म में आ गया ये, इचलन फॉर्म में आ गया ये, ठीक है ना, तो लिख देंगे वी चीज इन द इचलन फॉर्म, विच इज इन द इचलन फॉर्म, किस फॉर्म में है ये, इचलन फॉर्म में है, ठीक है। तो रैंक जो डिपेंड करेगी वो लैम्डा पर डिपेंड करेगी, तो इसके केस बन सकते हैं, इसमें केस फर्स्ट देखना, इफ चलिए लैम्डा इक्वल टू तुम ले लीजिए, यदि 7/10 ले लिया तो यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है, कितना जाएगा यहाँ 0, तो यहाँ तो नहीं 0 आएगा, तो रैंक ऑफ ए भी बताना, देन रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी की कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है, रैंक ऑफ ए बताना, रैंक ऑफ ए जब ये 0 हो जाएगा तो ए इतना ही तो है ही, तो रैंक ऑफ ए कितनी आ जाएगी 2, ये दोनों ही बराबर नहीं है तो तीसरा निकालने की जरूरत भी नहीं है। नंबर ऑफ अननोन्स, जब ये दोनों बराबर नहीं होते देन गिवन इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, तो लिख देंगे हेयर यहाँ रैंक ऑफ ए बी बराबर नहीं है किसके, ठीक है, रैंक ऑफ ए के बराबर नहीं है, रैंक ऑफ ए, ठीक है, बराबर थोड़ी है, तो लिख देंगे हैंस गिवन इक्वेशन, हैंस गिवन इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं रखती है ये, ठीक है। केस सेकंड देख लीजिए, केस सेकंड, केस सेकंड में इफ लैम्डा इक्वल टू नहीं है 7/10 देन, ठीक है, और यहाँ से लैम्डा इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये 0 जाएगा, इससे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो लैम्डा इक्वल टू 1 की तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कंडीशन डिपेंड करेंगी केवल इससे डिपेंड करेंगी, लैम्डा 7/10 के इक्वल यदि है तो ये बन गया हमारा हैव नो सॉल्यूशन। और एक बार क्या ले सकते हैं, यदि लैम्डा किसके बराबर नहीं है 7/10 के बराबर नहीं है तो तब देखना क्या बन जाएगा, जब ये इसके बराबर नहीं होने का तो ये 0 नहीं आने का, तो रैंक ऑफ ए बी जब भी कितना आएगा, रैंक ऑफ ए बी कितना आएगा 3 आएगा, रैंक ऑफ ए कितना आएगा, रैंक ऑफ ए भी 3 ही आएगा, इतने की रैंक निकाल लेंगे जब बराबर नहीं है किसके, 0 के बराबर होने का ही नहीं है जब ये नहीं रखने की, ठीक है, जब ये लैम्डा की वैल्यू कितनी है 7/10 नहीं होने की तो 0 के बराबर नहीं होएगा, तो ये रैंक ऑफ ए कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स तो तुम्हें मालूम ही है कितने हैं, ये 3 है ये, ठीक है, तो ये तीनों ही बराबर हो जाएंगे, तो लिख सकते हैं हेयर रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए बी बराबर रैंक ऑफ ए, ठीक है, और बराबर किसके आ गया, नंबर ऑफ अननोन्स,
तीनों कैसे आ गई, ये बराबर आ गई। और जब तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है, देन द गिवन इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, या हैंस करके लिख सकते हैं, हैंस द गिवन इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब रखेगा, जब लैम्डा 7/10 के बराबर नहीं होगा। तो ये पूछी थी कि लैम्डा की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है ना, तो ये पूछा गया इसमें, तो ये केस बन सकते हैं इस केस से, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, मैं पढ़ देता हूँ क्या दिया। 16, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाई मैट्रिक्स मैथड, ठीक है, ये इक्वेशंस दे रखी, इन्हें हमें किससे सोल्व करना, मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने लिख दिया है जिससे थोड़ा सा टाइम बच जाए, ठीक है। तो ये बार बार मैं लिख चुका इसको, सबसे पहले क्या लिखते हैं, दी मैट्रिक्स फॉर्म ए एक्स इक्वल टू बी मालूम होगा तुम्हें ये, ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मालूम होगा, यहाँ तक तो तुम्हें पता है ये सब, ये ठीक है ना। फाइंड द रैंक ऑफ ए बी बाई किससे, इचलन फॉर्म से निकालते हैं। तो चलिए इचलन फॉर्म से इसकी रैंक निकालिए, यहाँ तक तो हर क्वेश्चन में ऐसे ही आए, ठीक है। तो देखिए R2 में ऑपरेशन लगाना, R2 में क्या ऑपरेशन लगेगा, R2 यहाँ 0 बनाना, ठीक है, या तो 1 बना सकते हैं यहाँ, ठीक है, तो 1 तो बन नहीं रहा, ठीक है, वैसे तो बन भी जाएगा, बन ये कैसे बन जाएगा, इसमें से 2 से गुना करके घटा दीजिए, 5-6 माइनस बना जाएगा, ये वैल्यू थोड़ी बड़ी हो जाएगी, कोई नहीं, ठीक है, ये छोटी हो जाएगी, चलो ये सीधा करिए, वन नहीं बनाते ऐसे ही करते हैं, ठीक है। R2 में ऑपरेशन लगाना, R2 वहाँ 3 बनाना, तो 3/5 R1 करना पड़ेगा, ठीक है, R3 में ऑपरेशन लगाइए, ठीक है, R3 में हमें ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, किससे गुना करनी पड़ेगी, 7/5 R1 करना पड़ेगा, तो ये करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो ये आ जाएगा कितना, R2 में ऑपरेशन लगा दीजिए, 5/3/7/4, ये तो ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। तो घटाना तो कितना आ जाएगा, ये 0, 26 में से घटाना, कितना घटाना, 9/5 से मल्टीप्लाई करनी, मल्टीप्लाई करके देखना इनकी, ठीक है, यानी कि कितना भी 6 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये 130 आ जाएगा, अपॉन कितना 5, देखना घटा के 121/5 कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, 2 में से घटाना 3/5 से मल्टीप्लाई करना, 21/, ठीक है, तो ये आ जाएगा, देखना 10 और कितना, फिर एक बार देख लीजिए किससे मल्टीप्लाई करनी, 3/5 से, तो बिल्कुल ठीक है ये 10, ठीक है, तो माइनस के कितने बचेंगे, 11/5 बचेंगे। आगे देखिए, 9-3/5 करना, तो 4 तो है ही वहाँ, 12/5 हो जाएगा, 5, ठीक है, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 5 = 55 − 12/5, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, 33/5, 33/5। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए किस में ऑपरेशन लगाएंगे, अब R3 में 7-7, ये तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखना ज़रा, 2-, इस किस में करेंगे, 21/5, तो कितना, 10 माइनस की 11/5
फाइव आएगा। आगे देखना ज़रा, टेन में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इनकी गुना करना, ठीक है, 49 बटे 5, 10 50, 1 अपॉन 5, 5 में से सब्ट्रैक्ट करना ज़रा, 28 अपॉन 5, 25 माइनस के कितना बचेगा, ये 3 अपॉन 5 बच जाएगा, ठीक है। चलिए इनमें थोड़ा इसको आसान कर लीजिए, आसान कैसे हो जाएगा, ये R2 में ऑपरेशन लगा लीजिए, R2 में यहाँ तुम 1 बना सकते हो, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, R2 121, बस ये कर सकते हैं, 5 अपॉन 21, क्या कर सकते हैं, 5 अपॉन 121 डिवाइड करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे हम, R3 में भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, R3 में क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R3 डिवाइड 1 अपॉन 5, 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये कैलकुलेशन भी थोड़ी आसान हो जाएगी, ठीक है। या ये भी कर सकते हैं, इसमें इसके जैसा बना के इसे किससे डिवाइड कर लो, 1 अपॉन 11 से, 11 से 11 बार कट जाएगा तो वो भी हो जाएगा, या थोड़ा आसान बना के तब हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है, सीधा कर लेते हैं, थोड़ा लाइन बच जाएगी एक, ठीक है, दो बार मैट्रिक्स नहीं लिखना पड़ने का, डिवाइड करके कर सकते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। पर चलिए मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ, R3 में ऑपरेशन लगाऊंगा, यहाँ 0 बनाना मुझे, 1 अपॉन 11 करना, और वो R3 में से R3 प्लस करना, 1 अपॉन जब 11 करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 11 अपॉन 5, और ये R2 करेंगे तो ये जब इन्हें जोड़ेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ 0 बच जाएगा, तो किस फॉर्म में आ जाएगा, ये इचलन फॉर्म में आ जाएगा। चलिए इतना नोट कर लीजिए अभी, ठीक है। तो चलिए इससे आगे देखिए, ठीक है, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, उसको ऐसे लिख दीजिए, कितना 5 3 7 4, इसको ऐसे लिख दीजिए, 0 121 अपॉन 5 माइनस के 11 अपॉन 5 33 अपॉन 5। चलिए R3 में ऑपरेशन लगा दीजिए, 0 जब 1 अपॉन 11 करेंगे, 11 से 11 बार कट जाएगा, जोड़ेंगे, माइनस 11 अपॉन 5 प्लस 11 अपॉन 5 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखना, 1 अपॉन 11 से करेंगे, 1 अपॉन 5 और माइनस 1 अपॉन 5, ठीक है, 0 आ जाएगा। आगे देखिए, माइनस की 3 अपॉन 5, ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई करना 11 से कट गए, 3 अपॉन 5, ये भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो किस में आ गया, ये अचलन फॉर्म में आ गया, विच इज़ इन द अचलन फॉर्म, विच इज़ इन द अचलन फॉर्म, किस फॉर्म में है, ये इचलन फॉर्म में है, ठीक है। रैंक ऑफ ए बी 2, रैंक ऑफ, ठीक है, रैंक ऑफ ए बताना, ए इतना, ए बी रैंक कितनी आएगी, 2 आएगी, नंबर ऑफ अननोन बताइए, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, एक्स वाई जेड 3 है, तो इक्वल टू कितना, 3। हेयर यहाँ पर जो आ गया भाई, रैंक ऑफ ए बी बराबर किसकी आई, बराबर आई रैंक ऑफ ए के, और बराबर नहीं है किसके,
नंबर ऑफ अननोन्स के, नंबर ऑफ अननोन्स, देयरफॉर द गिवन इक्वेशंस, देयरफॉर द गिवन इक्वेशंस हैव कैसा सॉल्यूशन, ये बराबर है और ये बराबर नहीं है, क्या सॉल्यूशन रखेगी, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, याद होना चाहिए ये सब, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो चलिए अब हम इनकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो एक पार्ट नोट करना, मैं उधर कर देता हूँ इसको। तो चलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। कैसे निकालते हैं, ए एक्स इक्वल टू बी, ए यहाँ से लेते हैं 5003121 अपॉन 50, ठीक है, 7 माइनस के 11 अपॉन 50। एक्स बताना ज़रा, एक्स वाई जेड, एक्स बराबर बी यानी कि यहाँ से ले लेंगे, ठीक है, कितना 433 अपॉन 5 और कितना 0, मल्टीप्लाई करिए 5x प्लस 3y प्लस 7 जेड इक्वल टू 4 करना 121 अपॉन 5y माइनस 11 अपॉन 5 जेड इक्वल टू 33 अपॉन 5, ठीक है। तो ये आ गई इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालेंगे इनसे। चलिए जेड को क्या मान लीजिए, जेड इक्वल टू सी मान लीजिए, तो वाई देखना कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ से 121 अपॉन 5 वाई इक्वल टू 33 अपॉन 5, उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 11 अपॉन 5 सी। हमें क्या निकालना, वाई निकालना। चलिए सबसे पहले इसको 5 कट जाएंगे इसके, तो कितना आ जाएगा 121 वाई अपॉन 33 प्लस 11 सी, ठीक है। 11 से डिवाइड करना ज़रा इसको, 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 11 वाई इक्वल टू 3 प्लस सी। वाई निकाल दीजिए, वाई निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 प्लस सी अपॉन कितना 11, ठीक है। किसकी वैल्यू रह गई, अब x की वैल्यू रह गई, ठीक है। तो मैं इसे मिटा के इधर करूँगा, इसको तुम नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे देखिए किसकी वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, इसमें रख दीजिए, ठीक है। कितना है 5x प्लस 3y की वैल्यू रखना, कितना 3 प्लस सी अपॉन 11, कितना है भाई 3 प्लस सी अपॉन 11, ठीक है। प्लस 7 जेड की वैल्यू कितनी है, सी मानना था हमने उसको, इक्वल टू कितना 4, ठीक है। तो एक साइड ले जाइए इनको, 5x इक्वल टू 4 माइनस, ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई कर लेना अंदर, तो चलो अभी ऐसे रहने दीजिए, 3 प्लस सी अपॉन 11 माइनस के 7 सी, 5x अपॉन 11 44 माइनस 9 माइनस 3c माइनस के 77 सी। तो 5x जरा देखना कितना आ जाएगा, इसमें से इसको घटा लीजिए, ठीक है, तो कितना जाएगा 35 आ जाएगा, इन्हें जोड़ना ज़रा 80c अपॉन 11, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना 7 माइनस
ठीक है, 5 से डिवाइड करना, कितना आ जाएगा, 16 अपॉन कितना, 11 पे लिख देंगे। हेंस एक्स इक्वल टू 7 माइनस 16 सी अपॉन 11, वाई इक्वल टू 3 प्लस सी अपॉन 11 और जेड इक्वल टू सी, तो इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, और ज़्यादातर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, और एग्जांपल हैं, कुछ एग्जांपल भी कराऊंगा मैं इसके, तो लगभग कल हो सकता है ये पूरा हो जाए चैप्टर। तो ये पूरा होने के बाद मैं डिफरेंशियल इक्वेशन कराऊंगा। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐप पे कराऊंगा। ठीक है, यूट्यूब पे मैंने इसके 5 चैप्टर करा रखे, 6 चैप्टर तुम्हारा एप्लीकेशन पे चलेगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन पे वही पढ़ पाएगा जिसकी फ़ीस जमा होगी। ठीक है ना, तो फीस जमा कराने के लिए तुम लोग मेरे इस नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, कि फीस किस तरीके से जमा करानी, ठीक है, ऑफलाइन करानी या ऑनलाइन करानी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, तो ये YouTube पे तुम्हारी कल और चलेंगी क्लासेस, फिर उसके बाद YouTube पे तुम्हारी क्लासेस नहीं चलेंगी, सारी क्लासेस केवल ऐप पर चलेंगी। और हम सबसे पहले सेकंड पेपर पूरा करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो चलिए बाकी कल करते हैं, जो आगे क्वेश्चन है सब पूरे कर लेना, ज़्यादातर हो जाएंगे। ठीक है, और मैं कोई कठिन सा क्वेश्चन देख के करा दूँगा, और कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हो सकता है तुमसे ना हो तो वो मैं करा दूँगा। तो कल इसको पूरा करने के बाद में, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए ठीक है, बाकी कल करते हैं।